तो गाइस ये देखो यार, ये भाई ये एट ककोलत। तो यहाँ पे आप लोग सेल्फी फोटो कुछ भी ले सकते हो। काफी सारे लोग स्नान कर रहे हैं, ऊपर की साइड से फॉल गिर रही है वाटरफॉल, और नीचे की साइड से काफी सारे लोग स्नान कर रहे हैं। प्लस उधर से ना कुछ लोग जंप लेते हैं, डायरेक्ट नीचे आते हैं। तोरे खातिर अब जीना है रनिया, तोरे खातिर अब देख सकते हो आई लव ककोलत। यहाँ पे सेल्फी पॉइंट है क्योंकि एकदम वाटरफॉल जो गिर रही है ना ऊपर से डायरेक्ट एकदम बीचों बीच दिया हुआ है। तो जय श्री राम गाइस, हर हर महादेव। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होगे, मस्त होगे, स्वस्थ होगे और हमारी वीडियो देख रहे होगे। सो गाइस अभी अपन लोग आ चुके ककोलत, और फिर ककोलत जल प्रपात में अपन लोग एंट्री लेने वाले। तो आप लोग को दिखाने वाले गाइस यहाँ का जो रीडेवलपमेंट हुआ ना, रिकंस्ट्रक्शन हुआ ना, प्लस अंदर के साइड कैसा क्या क्या चीज बनाना, आपको इच एंड एवरीथिंग सारा कुछ फुल डिटेल्ड में दिखाने वाले हैं। तो गाइज आप लोग जो भी बिहार से हो या फिर पटना से हो, या जल प्रपात अपना खुल चुका है तो आप लोग आ सकते हो। जिसका 4 तारीख को ओपनिंग हुआ था, मैंने इसके पहले 29 तारीख को भी आया था, उस टाइम ओपनिंग नहीं हुआ था, लेकिन 4 अगस्त को ओपनिंग हो चुका पूरे अच्छे तरीके से। तो आप लोग आ सकते हो और फिर घूम सकते हो, बहुत ही अच्छा जगह है गाइस। तो अभी अपन लोग ना अंदर के साइड चलते हैं और फिर आपको सारा कुछ दिखाते हैं, इच एंड एवरीथिंग। लाइक देख सकते हो यहाँ से अपना जल प्रपात यहाँ से स्टार्ट होता है, देख सकते हो यहाँ से, जैसा कि देख सकते हो यहाँ से अपना ककोलत जल प्रपात में आपका स्वागत है। यहाँ से अपन लोग एंट्री लेते हैं, अंदर के साइड जाते हैं। यहाँ से नहीं भी मानो तो 2 किलोमीटर के आसपास अंदर जाना पड़ेगा, और उसके बाद अपन लोग जाएंगे जहाँ पे जल प्रपात, जहाँ पे मेन वाटरफॉल गिरती है ना, वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे आप लोगों को सारा कुछ दिखाएंगे। प्लस जो जो रिकंस्ट्रक्शन हुआ ना, ईच एंड एवरीथिंग सारा कुछ दिखाएंगे। प्लस ये देखो बच्चे लोग लकड़ियाँ लेके जा रहे हैं, और फिर यहाँ से अपन लोग अंदर की ओर जाते हैं अभी गाइस। सो गाइस देख सकते हैं इधर के साइड से अगर अंदर जाओगे ना तो भाई मतलब मैक्सिमम माने तो 1 से 1.5 किलोमीटर पड़ती है। प्लस इधर का जो भी व्यू आती है ना भाई, बहुत ही तगड़ा वाला, बहुत ही अच्छा सा व्यू आती है। प्लस ऊपर के साइड देखो ना तो भाई बादल भी एकदम पहाड़ पे ना, मस्त वाला बादल ऐसा थोड़ा थोड़ा सा एकदम चढ़ा हुआ है एकदम पहाड़ पे बादल गाइस। और इधर का जो भी नेचर है ना बहुत ही प्यारा लग रहा है। इस मौसम में ना भाई ककोलत नहीं आए ना तो भाई कहीं नहीं गए, क्योंकि ये अपना बिहार का स्वर्ग है गाइस। इसको बोलते ना बिहार का स्वर्ग, प्लस बिहार का ये अपना कश्मीर है। तो यहाँ पे एक बार जरूर आना गाइस, क्योंकि यहाँ पे ना जो दृश्य आपको देखने को मिलेगा ना वो कहीं बिहार में नहीं देखने को मिलेगा। इतना अच्छा दृश्य, इतना अच्छा लोकेशन, इतना अच्छा जगह ना आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो प्लीज गाइस एक बार आओ, घर में बैठने से कुछ नहीं होता गाइस। अगर ऐसे बैठे हो ना तो एक बार ककोलत आओ, घूमो, फिर आपको पता चलेगा भाई ककोलत क्या चीज है। यहाँ से अपना प्रवेश द्वार स्टार्ट होता है, लाइक उधर से एक एंट्री था, यहाँ भी नवादा वन प्रमंडल नवादा। तो ऐसा यहाँ से एंट्री स्टार्ट होता है, और फिर यहाँ पे अपना बाइक है, पार्किंग इधर की साइड करना पड़ेगा। तो चलो पार्किंग कर दो, उधर की साइड जाके जाओ, अंदर की साइड उधर पार्किंग हो, यहाँ से अपन लोग को पैदल ही जाना है। तो अभी चलते हैं अंदर की साइड पैदल ही। तो गाइस जैसे ही आप लोग बैरिगेट पार करोगे ना, तो यहाँ से नहीं भी तो मानो तकरीबन यहाँ से 100-200 मीटर या फिर 300 मीटर के आसपास में अपना जल प्रपात है, जो भी वाटरफॉल है ना वो आपको 200 से 300 मीटर के पास में मिल जाएगी। प्लस इसके आगे क्या शायद टिकट लगता है वो भी मेरे को नहीं पता, लेकिन हाँ इधर पार्किंग किया ना उधर का 20 रुपीज़ फी है, तो आप लोग आके यहाँ पे पार्किंग कर सकते हो 20 रुपीज़ में। जितना टाइम होगा उतना टाइम आप लोग पार्किंग कर सकते हो। प्लस अंदर के साइड चलते ना तो देखते हैं वहाँ पे क्या टिकट लगता है, फिर बस ऐसे ही होता है वो। तो गाइस अंदर जाने के बाद ही पता चलेगा, तो बस वीडियो में बने रहना गाइस, वीडियो कहीं भी स्किप मत करना, क्योंकि वीडियो ना काफ़ी एकदम मस्त होने वाला, ओपी नेक्स्ट लेवल वाला होने वाला। तो प्लीज़ गाइस वीडियो में बने रहना और जितना हो सके उतना वीडियो को एंजॉय करना गाइस। तो अभी अपन लोग चल रहे हैं बस में और फिर अभिषेक। सो गाइस जैसा कि देख सकते हो यहाँ पे टिकट लगता है, मेरे को लग रहा था टिकट लगेगा ही, क्योंकि यहाँ पे हर जगह होगा ना वहाँ पे टिकट लगेगा, क्योंकि अभी रिकंस्ट्रक्शन किया है बहुत अच्छे तरीके से, वो तो अंदर जाने के बाद ही पता चलेगा गाइस किस तरीके से बना है। प्लस इधर देखो ना तो उधर के साइड एडमिन ब्लॉक, टिकट काउंटर, टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर, क्लॉक रूम, मतलब अमानती घर, कुछ क्या होता है उसको हैंगर ही सब लटकाया हुआ है, तो मेरे को नहीं पता। टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिलती है, टिकट काउंटर वो है। तो टिकट काउंटर किधर है भाई? वहाँ बोर्ड पे तो लिखा हुआ है लेकिन टिकट काउंटर किधर है? बाहर के साइड से ही है क्या? तो वो है अपना टिकट काउंटर, तो वहाँ से अपने को टिकट लेना है। सो चलते हैं अभी टिकट लेते हैं, उसके बाद अंदर के साइड एंट्री लेते हैं गाइस। ये देखो अपना ककोलत जल प्रपात एक तारा, इस तरफ आओगे ना तो यहाँ पे आपको टिकट काउंटर मिलेगी, और ये सामने के साइड टिकट काउंटर, यहाँ से आप लोग टिकट ले सकते हो, टिकट लो। प्लस उधर कंट्रोल रूम है और वहाँ से अपना एंट्री है। तो पहले टिकट लेते हैं, उसके बाद अपन लोग यहाँ से अंदर की ओर जाते हैं। सो गाइस जैसा कि देख सकते हो सामने
ककोलत जलप्रपात एक तारा लिखा हुआ, इधर से एंट्री होता है डायरेक्ट। बट इधर की साइड देखो ना तो यहाँ पे एक बड़ी बड़ी अक्षरों में ककोलत लिखा हुआ है, जो कि आप उड़न उड से वर्क किया हुआ है, जिसको देख सकते हो। ककोलत प्लस टाइल्स मार्बल सभी लगा हुआ। प्लस अंदर की साइड देखो ना तो ये सेल्फी पॉइंट है, यहाँ पे आके आप लोग सेल्फी ऐसा फोटो ऐसे ले सकते हो। प्लस सामने के साइड टूरिस्ट सेंटर है, जो भी वहाँ पे टूरिस्ट ही सब आते हैं ना वहाँ पे रुक सकते हैं। प्लस क्लॉक रूम वो वाली है, और फिर उधर सेल्फी पॉइंट वो भी है। प्लस उधर के साइड खतरा, उधर के साइड उस तरफ नहीं जाना होता, क्योंकि जंगली जानवर जो भी आते हैं ना शायद उससे आपको खतरा हो सकता है, इसी कारण से खतरा का बोर्ड भी लगा हुआ। प्लस उस तरफ नहीं जाना होता। और ये देखो क्लॉक रूम, और सामने के साइड टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर, वहाँ से टूरिस्ट लोग को इन्फॉर्मेशन मिलेगी। प्लस वहाँ के साइड से टिकट कटेगी, जो कि अपन लोग टिकट ले चुके हैं, और टिकट लेने के बाद 10 रुपये का एक टिकट पड़ती है। तो अभी अपन लोग यहाँ से एंट्री भी लेंगे, अंदर की साइड जाएंगे, और फिर अंदर में आपको और भी बहुत अच्छे अच्छे तरीके से अच्छा अच्छा चीज़ दिखाएंगे। सो गाइस, जैसे ही टिकट दिखा के अंदर आओगे ना तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा, लाइक ये सब बहुत ही अच्छा चीज़ बन चुका है। प्लस उधर देखो बच्चे लोग का झूला है सब। प्लस ये शौचालय है, जो कि काफ़ी अच्छा अंदर के साइड है, अंदर के साइड दिखा तो नहीं सकते, लेकिन बहुत अच्छा शौचालय भी बन चुका है। पहले एक साइड इतना शौचालय नहीं था। प्लस इधर की साइड देखो ना तो मिट्टी ये सब भरा पड़ा है। प्लस ये देखो शौचालय कुछ ऐसा अंदर के साइड से, बहुत ही अच्छा वाला डेकोरेशन अंदर से, मतलब बहुत अच्छा बन चुका है। प्लस इधर देखो बालू ये सब मिट्टी ये सब ला दिया गया। प्लस इधर बैठने का कुछ सारा कुछ सुविधा दे दिया। ये देख रहे हो ये चिल्ड्रन पार्क है, जो कि एरोप्लेन ये सब सारा कुछ है। प्लस यहाँ का लाइट देखो ना तो भाई, लाइट का जो पुराना जो इंग्लैंड टाइप का था ना, ब्रिटिश टाइप का, उस टाइप का लाइट लगा हुआ है, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्लेजेंट, काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है, एकदम बहुत ही प्यारा लग रहा है लाइट। तो ये देखो गाइज बैठने वाला ये सब भी बहुत ही अच्छा अच्छा बन चुका है। प्लस इधर की साइड देखो ना, इधर भी बैठने वाला। प्लस उधर की साइड झूला है सब, चिल्ड्रेन पार्क हुआ है तो उसमें झूला बच्चा का क्या, बड़े लोग भी झूलते हैं, प्लस बड़े लोग भी स्लाइड करते। प्लस अंदर के साइड चलते चलो थोड़ा सा 200 मीटर या फिर 150 मीटर और बचा होगा, उसके बाद अपना स्टार्ट होगा गाइज मेन जलप्रपात। सो गाइज देख सकते हैं ककोलत जलप्रपात में आपका स्वागत है। इधर के साइड जो अपना झरना है ना, वाटरफॉल है ना, वो इधर के साइड से अपना स्टार्ट होता है। यहाँ से अंदर जाओगे तो वाटर कुंड सब जो भी मिलेगा, वो सामने की साइड भी लिखा हुआ देख सकते हो गाइज, वाटर कुंड जल कुंड। आगे की साइड है, इस तरफ जाओगे तो जलकुंड आपको मिलेगा। प्लस इधर के साइड देखो ना तो कुछ ऐसा, इधर के साइड ब्रिज टाइप का दिया। देखो यार ये छोटा सा बंदर, ये देख रहे हो छोटा सा बच्चा, ये देख रहे हो कैसे एकदम देख रहा भाई मस्त वाला देख रहा भाई, क्या सीन है यार। अगर एक को उसको छेड़ दिया ना तो फिर दूसरा ऐसा भी आ जाएगा ना, तो वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो जाएगा, इसीलिए भाई इसको छोड़ते हैं यार, नहीं तो आ गया तो अपना कैमरा वैमरा भी जाएगा। प्लस उधर की साइड देखो ना, ऊपर की साइड भाई पहाड़ कितना मस्त लग रहा। प्लस ये वाटर कुंड देख रहे हो, जल कुंड इधर के साइड है, बस सामने के साइड जाना, ककोलत जलप्रपात उधर के साइड ही है। तो अभी चलते हैं ऊपर की साइड से, देखो कैसे कैसा आवाज़ आ रहा भाई, जहाँ वही बंदर है सब है सारा कुछ। तो अभी इधर के साइड चलते हैं अंदर, अंदर के साइड। सो गाइज देख सकते हो इधर के साइड भी शायद शौचालय या फिर रेस्ट करने वाला रूम है, ये देख सकते हो गाइज, इधर के साइड रेस्ट कर सकते हो। प्लस ये देखो ना तो ये स्विमिंग पूल टाइप का लग रहा था, लेकिन अभी तो फिलहाल पानी नहीं है, लेकिन इसमें भी शायद ये नया बनाया ना तो इसमें पानी डाल के ना इसको भी शायद कुछ दिन या फिर कुछ मंथ में इसको भी चालू कर दिया जाएगा, जिसमें पानी डाला जाएगा, जो सारे लोग जिसमें बच्चे हैं सब सारे लोग स्विमिंग करेंगे, जो भी होगा स्विमिंग है सब करेंगे, खेलेंगे कूदेंगे, काफ़ी अच्छा सा फीलिंग्स आएगा। क्योंकि इसमें देखो ना तो भाई काफ़ी अच्छा सा सीन भी आ रहा, बहुत ही अच्छा अच्छा सा, मतलब अच्छे तरीके से बनाया हुआ, देख रहे हो किस किस तरीके से बनाया हुआ आप देख सकते हो गाइस, कुछ ऐसा बना हुआ है। अंदर के साइड जाओ, प्लस वो देखो बाघ का मुँह से ना एक पिचकारी टाइप का निकल रहा है पानी, वो आप लोग वहाँ पर देख सकते हो। तो ये देखो गाइस, ये बाघ का मुँह के छोटा सा एकदम पिचकारी निकल रहा है, देख सकते हो ऊपर के साइड, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा सीन। प्लस इधर भी कुछ काम चल रहा है, थोड़ा बहुत और भी शायद काम होगा ये, और ये फिर ना ये रियल पत्थर है या फिर क्या है ये तो मेरे को नहीं पता, वो तो छू के ही बता सकते आपको, बस देख के बताते ये क्या चीज़ है। ये भी उड़न है भाई, ये देखो बनाया हुआ है। सो गाइज ये चेक कर सकते हो गाइज, इधर से ना थोड़ा सा झरना का आवाज़ आ रहा है, जो पानी गिर रहा ना ऊपर की साइड से उसका आवाज़ आ रहा है। प्लस इधर के साइड देखो ना तो यहाँ पे सेल्फी पॉइंट है, व्यू देख रहे हो यहाँ का, काफ़ी अच्छा लग रहा है। प्लस ऊपर की साइड देखो ना तो उधर से सीढ़ी से आप लोगों को ऊपर जाना पड़ेगा। प्लस मेरे को पता नहीं वो वाली जो वाटरफॉल आ रही है ना वो कैप्चर कर रही है फिर नहीं कर रही है अच्छे से कैमरा, वो नहीं पता, लेकिन हाँ बहुत ही प्यारा लग रहा है। प्लस इधर की साइड देखो ना तो ये वाली देख लो, IAM @ककोलत, तो यहाँ पे आप लोग सेल्फी फोटो कुछ भी ले सकते हो, काफ़ी प्यारा सा लगता है। और ऊपर की साइड देखो ना व्यू तो काफ़ी अच्छा वाला व्यू है, काफ़ी अच्छा सा नज़ारा। प्लस उधर की साइड सीढ़ी से देखो ना तो सारे लोग सीढ़ी से ही ऊपर जाते हैं, और उधर ऊपर की साइड ही नहाते सारे लोग जो भी है वाटरफॉल से। और ये देखो IAM @ककोलत। तो गाइस ये देखो यार, ये भाई साहब कैसे जंप किया देखा ना, ये देखो जंप ना, ये वाला जंप ना काफ़ी अच्छा सा लगा, एकदम मस्त वाला जंप किया। प्लस इधर की साइड देखो ना काफ़ी सारा बंदर है,
इधर की साइड से सारा, ये देखो नीचे से गया, कितना बच्चा बच्चा सा है, सारा नीचे से जा रहा है उधर की साइड, वो पेड़ से वो पेड़ जंप लेता है। भाई मैं ना पहली बार ऐसा देख रहा हूँ कि ये जंप कोई करता हुआ ना, मैंने पहले नहीं देखा, उतना बंदर देखा बट मैंने पहली बार ये वाली जंप देखा बहुत ही। सो गाइस हम लोग भी थोड़ा बहुत सेल्फी ले लिए। उधर के साइड से देखोगे ना तो आई एम एट ककोलत होता है, और इधर की साइड देखो ना तो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ ककोलत सेल्फी पॉइंट, जो कि इसको बोलते हैं। यहाँ पे आप लोग ककोलत में सेल्फी पॉइंट ये है, तो यहाँ पे आप लोग सेल्फी ले सकते हो। प्लस ये तो कुछ भी नहीं, और भी बहुत कुछ बहुत ही अच्छे अच्छे तरीके से बना हुआ है गाइस, जो कि मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ सारा कुछ। तो इधर की साइड से देखो ना तो अभी अपन लोग सीढ़ी चढ़ रहे हैं, और सीढ़ी चढ़ते चढ़ते ना अपने को वहाँ पर जाना है। सो गाइस अभी अपन लोग ऊपर के साइड जा रहे हैं, लाइक कि यहाँ से देख सकते हो आप लोग कुछ ऐसा जा रहा है, और हम लोग ऐसे ही जाते जा रहे हैं। बस देखते हैं यार कितना टाइम और ऊपर की साइड लगता है, क्योंकि 100-200 मीटर बोले थे, और फिर अभी अपन लोग काफ़ी ज़्यादा करीब में, लाइक देख सकते हो वाटरफॉल ऊपर की साइड से गिर ही रहा है। प्लस नीचे की साइड देखो ना तो आवाज़ काफ़ी ज़्यादा आ रही है ऊपर की साइड, वो अब दिखी क्या, अब तो दिख रही होगी गाइज, मेरे से ख्याल से ज़रूर दिख रही होगी अब आपको। सो गाइज ये देख सकते हैं यहाँ से बस ऊपर चढ़ेंगे तो वो अपना रहा जलप्रपात, और फिर इधर की साइड देखो ना तो कुछ ऐसा ऊपर की साइड से पानी आता ना, जो नीचे की साइड से ना ऐसा गिरता है कुछ, लाइक देख सकते हो कितना तेज धारम से एकदम नीचे गिरता है। लाइक उधर तो फिसलन काफ़ी ज़्यादा होगा, थोड़ा सा भी पैर फिसला मतलब समझ लो गाइस वहाँ से एकदम डायरेक्ट नीचे जाओगे, और फिर नीचे की साइड से कहाँ जाओगे आप लोग देख सकते हो। तो सो गाइस यहाँ से नज़ारा चेक करो भाई, क्या ही मस्त वाला नज़ारा आ रहा है। लाइक उधर की साइड से देख रहे हो टोटल ग्रीनरी दिख रहा है, लाइक टोटल पेड़ पौधा एकदम सारा कुछ दिख रहा है। प्लस यहाँ के साइड से नीचे देखो ना तो लग रहा है भाई कोई सीढ़ी अपन लोग नीचे उतर के जाने वाले, जो कि नहाने के बाद अपन लोग उतरेंगे ना उस टाइम, आप लोग देखना कैसा लगता है नीचे जाने में। प्लस इधर का एरिया देखो ना तो बहुत ही अच्छा सा एकदम पेड़ पौधा सारा हरियाली लग रहा है, और इधर से बस ऊपर जाने के बाद ये क्या है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, वो क्या है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, नहाना कहाँ वो भी मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। सो गाइस जैसा कि देख सकते हो ये अपना चेंजिंग रूम है, लाइक यहाँ पे चेंजिंग वेंजिंग होता है सारा कपड़ा। प्लस इधर की साइड देखो ना तो गाइस आप काफ़ी सारे लोग स्नान कर रहे हैं, ये देखो वाटरफॉल कुछ ऐसा है, लाइक यहाँ पे स्नान करते इस तरफ जेंट्स और उस तरफ लेडीज, तो यहाँ पे काफ़ी कुछ ऐसा कुछ बन चुका। प्लस इसमें ना मिट्टी बालू ये सब डाल दिया गया, क्योंकि पहले काफ़ी ज़्यादा गड्ढा था, अभी सही कर दिया। प्लस वहाँ देखो ना तो मैट डाल दिया, और ऊपर इस साइड से देखो ना तो भाई वाटरफॉल काफ़ी अच्छा बहुत अच्छे तरीके से गिर रहा है यार, बहुत ही मस्त वाला झरना वाला फीलिंग सारा। तो वहाँ पे सारे लोग सेल्फी लेते ऊपर की साइड जाने के बाद, और फिर नीचे की साइड देखो ना तो वहाँ पे और भी सारे लोग ऐसे ही कपड़े सब चेंज कर रहे, सारे लोग सेल्फी ले रहे हैं ऊपर की साइड से, और इधर स्नान करने। तो गाइस देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग स्नान कर रहे हैं, ऊपर की साइड से फॉल गिर रही है वाटरफॉल, और नीचे की साइड से काफ़ी सारे लोग स्नान कर रहे हैं। प्लस उधर से ना कुछ लोग जंप लेते हैं डायरेक्ट नीचे आते हैं, पहले ना कुछ बना हुआ कुछ ऐसा नहीं था, कुछ कहीं कहीं स्टोन था वहाँ से जंप लेते थे, लेकिन अभी के साइड से ना सारा कुछ एकदम एक्यूरेट बना दिया गया। प्लस इसमें ना बालू भर दिया गया जो कि पहले बालू नहीं था, अभी सारे लोग बालू में अंदर डुबकी मारते, कोई चोट वोट नहीं लगती है, और काफ़ी अच्छे से नहाते। प्लस उधर के साइड भी काफ़ी अच्छा बन चुका, और फिर इधर ड्रेसिंग वाला भी बन चुका अच्छा चेंजिंग वाला। उधर के साइड शायद क्या ऊपर के साइड मंदिर, और नीचे के साइड वो क्या मेरे को नहीं पता, सामने काली माता का मंदिर, और ऊपर के साइड देखो सारे लोग सेल्फी लेते हो वहाँ से। सो गाइस यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे पहले लिफ्ट था जिसको अभी शायद बंद करके रखे हैं, शायद ये इसमें भी काम चलेगा, उसके बाद ये लिफ्ट चालू हुआ, क्योंकि यहाँ से ना कुछ लोग डायरेक्ट नीचे जाते थे, प्लस सामान ऊपर से नीचे किया जाता था, अभी बंद करके रखे, देखिए कब चालू होता है ये नहीं पता। प्लस इधर की साइड देखेंगे तो काफ़ी सारे लोग स्नान कर रहे हैं, लाइक देख सकते हो उधर के साइड से काफ़ी सारे स्नान कर रहे हैं। प्लस ये अपना काली माता का मंदिर है, और यहाँ पे कुछ लोग पॉइंट सेल्फी पॉइंट है, यहाँ पे फोटो लेते हैं ऊपर जाने के बाद भी वहाँ से भी फोटोज लेते हैं, और ये देखिए सारे लोग स्नान कर रहे हैं। प्लस ऊपर से निगरानी रखते हुए अपना प्रशासन। तो गाइस उधर के साइड से ना लेडीज का है, जो भी उधर से आते हैं लेडीज उधर से एंट्री लेते हैं, प्लस वहाँ से स्नान करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना डिवाइड कर दिया गया लेडीज और फिर जेंट्स का, दोनों का डिवाइड कर दिया गया। पहले के साइड जब पहले था ना उस टाइम डिवाइड नहीं किया हुआ था, लेकिन अब के टाइम ना डिवाइड कर दिया गया, तो जेंट्स का इधर है और लेडीज का उस तरफ है, जो कि दोनों अलग अलग आराम से सेफ्टी से स्नान कर सकते हैं, बच्चा हो या फिर बड़ा हो, दोनों का डिवाइड किया हुआ है। तो देख सकते हो कुछ ऐसा है लाइक। सो गाइस जैसा कि देख सकते हो सारे लोग स्नान कर रहे हैं कुछ इस तरह से, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, देखो यहाँ पे आने के बाद ना ऊपर के साइड से वाटरफॉल पानी नीचे गिरता है, सारे लोग स्नान कर रहे हैं, ऊपर से देखो यार कैसे वाटरफॉल गिरता है। तो यहाँ के साइड से देखो ना तो यहाँ से काफ़ी सारे लोग जंप लेते हैं नीचे की साइड, और फिर कुछ ऐसे से स्नान करते हैं, कैसे जंप ले रहे देख लो, बहुत ही मस्त तरीके से स्नान करते जंप लेते हैं इसमें ना, तो ये सारे लोग अभी स्नान ही कर रहे हैं। भाई अपना तो थोड़ा सा था कि अपन लोग थोड़ा सा वीडियो बना देंगे यहाँ पे, बट ये देखो यार कुछ ऐसा सीन आ रहा है, ऊपर के साइड से पानी गिरता ना बहुत एकदम चिल्ड वाला, बहुत ही ठंडा वाला, प्लस यहाँ से जंप लेते ना सारे लोग, जो कि और भी ज़्यादा अच्छा लगता है, बेटर वाला फीलिंग्स आती है।
तो देख सकते हो गाइस यहाँ पे कुछ ऐसा वाला फीलिंग्स आता है। तो गाइस देख रहे हो अभी सारे लोग कैसे जंप ले लेके स्नान कर रहे हैं, लाइक कुछ इस प्रकार से जंप लेते ना भाई कि एकदम नीचे की साइड बाल हुए तो थोड़ा सा भी चोट नहीं लगता है, काफ़ी अच्छा सा भी लगता है। काफ़ी सारे लोग मजे मजे से एकदम स्नान कर रहे हैं और काफ़ी सारे लोग मस्ती कर रहे हैं। तो गाइस देख सकते हो गाइस कुछ इस प्रकार सारे लोग जंप लेते हैं और फिर काफ़ी अच्छा सा शॉर्ट्स एकदम लेते हैं। तो अभी देख सकते हो मुन्ना भाई भी जंप लेने वाले हैं, ये भाई जंप लो। तो ये देखो अभी ऊपर की साइड से वाटरफॉल आ रहा है और नीचे की साइड अभी जंप लेने वाले हैं। गाइस देख सकते हो बहुत ही अंदर ना बालू एकदम मस्त वाला, कुछ ऐसा वाला फीलिंग्स आता है और काफी मस्त वाला फीलिंग्स आता है। अगर मैं आपको एक चीज दिखाऊँ ना तो नीचे की साइड दिखाता हूँ मैं अभी। तो गाइस ये देखो ये बालू नीचे की साइड रहता है भाई, पूरा चोट थोड़ा सा भी नहीं लगता ना, एकदम बालू लगता है भाई मस्त वाला। तो गाइस आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कुछ इस तरह से ऊपर से जो कि झरना आ रहा है और यहाँ पर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि किस प्रकार यहाँ पर लोग यहाँ पे देख सकते हैं नहा रहे हैं। और ये जो ओपनिंग जो हुआ है जो 3 दिन हो चुका है यहाँ ओपनिंग का, और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है जो लेडीज़ का हुआ, और ये देख सकते हैं यहाँ पर प्रशासन लोग हैं जो कि यहाँ पे मतलब रखा गया प्रशासन लोग के लिए। और देख सकते हैं जो लेडीज़ का जो है ये चेंजेस का रूम है, देख सकते हैं आप लोग ये चेंजेस का रूम है जो लेडीज़ का, और यहाँ पर भी जो मतलब लोग कपड़ा वगैरह सुखा सकते हैं आप लोग यहाँ देख सकते हैं। पर सका इसका यहाँ का व्यू देख सकते हैं इस प्रकार है, कुछ देख पा रहे होंगे आप लोग इस प्रकार व्यू यहाँ का आता है। और ये टोटल जो है कि काट के बनाया गया, पहाड़ काट के बनाया गया है। तो आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं फिर। सो गाइस जैसा कि देख सकते हो गाइस यहाँ पे वाटरफॉल काफी ऊपर से काफी मस्त तरीके से गिर रही है, बहुत ही अच्छा एकदम ऊपर से गिरा वहाँ पे टकराने का वरना फैलता है काफी ज्यादा पानी। उसका नीचे की साइड देख सकते हो अभिषेक मस्त वाला स्नान कर रहा, फर्स्ट टाइम ही आया वाटरफॉल में, भी फर्स्ट टाइम ही आया हूँ तो अभी खूब मस्ती कर रहा है। स्विमिंग करके दिया, स्विमिंग कर स्विमिंग। तो अभी देखो अभिषेक स्विमिंग करेगा भाई, ये अंदर वाला स्विमिंग ऑलरेडी इसमें ना बहुत ही कम हाइट है, लाइक ज्यादा डूबा पानी नहीं है, डूबने वाला नहीं है, बट फिर भी ये स्विमिंग कर रहा मस्त लग रहा है। प्लस इधर के साइड देखना तो उधर लेडीज लोग आते हैं और इधर के साइड अपना जेंट्स का, और अपना सामान सारा वहाँ पे रखा हुआ है जो कि सेफ्टी हो भी सकता नहीं भी हो सकता, बट फिर भी अब लोग बार बार देख रहे हैं अपना सामान को। और ये देखो कैसे स्विमिंग कर रहा है भाई, स्विमिंग कर रहे हैं क्या अच्छा से, ये उल्टा वाला स्विमिंग भाई। सो अभिषेक गाइस फर्स्ट टाइम बहुत ही बार जंप लिया, लेकिन फिर से एक और मेरा वीडियो के लिए जंप लेने वाला, तो जंप ले ले भाई अभिषेक। तो अभी देखो ये भाई उल्टा पुल्टा जैसे मन होता है वैसे जंप ले सकते हो, क्योंकि अंदर के साइड ना कोई स्टोन नहीं है, सिर्फ बालू है जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों को दिखा दिया था गाइस। तो बस ऐसे ही सारे लोग जंप ले लेके स्नान कर रहे हैं यहाँ पे, जो भी आ रहा है ना सारे लोग जंप ही ले रहे हैं। देख सकते हो ये ऊपर के साइड ये टेरिस है, प्लस अपन लोग यहाँ से नीचे के साइड से ऊपर आए हैं। जैसा कि देख सकते हो ये वाला ना टेरिस पहले के टाइम में नहीं था, नीचे वाला सिर्फ था, ये वाला टेरिस ऊपर के साइड ना दोबारा से बनाया गया तो इतना ऊपर हुआ है। प्लस ये वाला टेरिस हम लोग के लिए बिल्कुल फ्री है, यहाँ पे आके ना अपन लोग सेल्फी ले सकते हैं, फोटोज खींच सकते हैं, वीडियोज बना सकते हैं। ऊपर के साइड देखो ना तो वाटरफॉल जो ऊपर के साइड से नीचे गिर रही है ना वो डायरेक्ट उसका लुप्त लाभ उठाते हुए ना सारे जो भी जन है जो भी लोग है वो वहाँ पे स्नान कर रहे हैं, सारे पानी में काफी मजे तरीके से स्नान कर रहे हैं। प्लस स्नान करने के बाद कुछ लोग वहाँ पे श्रद्धालु लोग पूजा करने के लिए जाते हैं, जो भी है दुर्गा माता इस सब का मंदिर है, प्लस यहाँ पे काली माता का मंदिर है, और वहाँ पे अपना ड्रेसिंग वाला रूम है जहाँ पे स्नान करने के बाद ना सारे लोग ड्रेसिंग चेंज करने के लिए जाते हैं। तो वहाँ पे भाई एक चीज ना बहुत ही गंदा तरीके का है, जो कि चेंजिंग रूम है ना उसमें गाय ओपनली एकदम कोई भी अच्छा सा टॉयलेट है सब नहीं है, सारा गंदा हो रखा है, बिल्कुल ही क्लीन नहीं है। प्लस ऊपर की साइड देखो ना तो काफी सारे लोग पुलिस है सब सारा वहाँ पे रखते हैं अपना कपड़ा स्नान करने के लिए, नीचे की साइड जाते हैं सारा कपड़ा खोल के, तो उन लोगों का तो सेफ है लेकिन हम लोगों का कोई सेफ्टी यहाँ पे रखा नहीं गया। तो बस ये बन जाए ना तो उससे काफी अच्छा हो जाएगा, हम लोग को भी सेफ्टी मिल जाएगा और सारे लोगों को सेफ्टी मिल जाएगा जैसे इन लोगों का सेफ्टी मिलता है। प्लस यहाँ के साइड से देखो ना पानी वहाँ से ऊपर से नीचे गिरती है ना, पानी अगर थोड़ा सा ज्यादा फ्लो होती है ना तो वहाँ पे एक चट्टान रखा हुआ पूल के नीचे में, वो चट्टान से थोड़ा सा ऊपर होती है ना पानी तो डायरेक्ट कट के ना नीचे आ जाती है यहाँ पे, तो उसके लेवल से फिर पानी नीचे की साइड गिरती है और फिर वो उधर यू हो के भाई किधर जाती है पता नहीं मेरे को, लास्ट किधर होती वो नहीं पता। और यहाँ का नज़ारा देखो ना तो काफी मस्त एकदम बहुत ही अच्छा वाला नज़ारा लग रहा है, देख सकते हो गाइस इधर का सेल्फी पॉइंट यू ही नहीं रखा गया, सेल्फी यहाँ से काफी अच्छा आता है। प्लस ये देखो नीचे के साइड सारे लोग सेल्फी फोटोज वीडियो ये सब बनाते हुए देख सकते हो, आई लव ककोलत यहाँ पे सेल्फी पॉइंट है, क्योंकि एकदम वाटरफॉल जो गिर रही है ना ऊपर से डायरेक्ट एकदम बीचों बीच दिया हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ आई लव ककोलत।
सो वाटरफॉल दिख रही है यहाँ पे, सारे लोग सेल्फियाँ लेते हैं, फोटोज ये सब लेते हैं और फिर सारे लोग ऐसे ही मस्ती के लिए फोटो लेते हैं, प्लस यहाँ पे कुछ पैसे के फोटो देते हैं लोग निकाल के। जरा भाई साहब कैसे बैठा हुआ है, लेके भागने का मन कर रहा है इसको फोन वन का, अबे लेके भागियो नहीं भाई, पूछी देख रहा यार, मतलब जानवर को छेड़ो नहीं यार, ऐसे काफी अच्छा लगता है, आदमी इंसान की तरह एकदम बैठा हुआ है, बहुत ही प्यारा सा एकदम पोज में दे रहा। हाँ बहुत बढ़िया प्यारा है एकदम, छीन के लेके चला जाएगा तो बहुत ही प्यारा हो जाएगा। अगर फोन गया ना तो भाई बहुत ही प्यारा हो जाएगा अपना, लेकिन क्या बोल सकते, जब तक उसको छेड़ोगे नहीं ना तब तक आपका कुछ नहीं लेके भागे, अगर छेड़ दिए ना फिर तो भाई थप्पड़ भी खाओगे, फोन भी जाएगा और भी कुछ जा सकता है। तो चलो फिलहाल अच्छा है यहाँ का सीन, भाई इधर ही देख रहा, बाय बाय कर दे भाई। इधर पलट गए हो क्या, पलट गया भाई। गाइस काफी सारा कुछ हो चुका है, सो अभी अपन लोग सोच रहे हैं यहाँ पे वीडियो को एंड करें, क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो चुकी है। सो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करना गाइस। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर, जय श्री राम गाइस, हर हर महादेव, बाय बाय।